नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उच्चतम न्यायालय का वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में ईएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार। भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण मुद्दों के मद्देनजर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर 7 से 11 अगस्त के बीच संसद में मौजूद रहने को कहा। केंद्र ने स्पष्ट किया, वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद टैबलेट और लैपटॉप जैसे आईटी हार्डवेयर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आगामी बुधवार को नेशनल असेंबली भंग करने की घोषणा की। बर्लिन में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता और चेन्नई में पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत तथा जापान का मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से वचन पत्र लिया कि स्थल पर कोई खुदाई नहीं की जाएगी और ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद सर्वेक्षण की अनुमति दे दी गई। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अनुमति दिए जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी। इस बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ज्ञानवापी परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधि ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कहा था कि सर्वेक्षण के दौरान ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर इस महीने की 7 से 11 तारीख के बीच सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। पार्टी ने अपने 3 पंक्तियों के व्हिप में उनसे सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्यों के लिए भी व्हिप जारी किया है और उन्हें सोमवार को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में मणिपुर हिंसा और राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे तथा लोकसभा में मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में दूसरे स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर कई सदस्यों ने निजी विधेयक पेश किए और उसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन ने अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 को हंगामे के बीच पारित किया। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 को सदन में पेश किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय और सत्यापित प्रणालियों के इस्तेमाल के लिए उत्पादों के आयात को विनियमित कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि चाहे उत्पाद देश में निर्मित हो या आयात किया गया हो, भारत का प्रौद्योगिकी तंत्र केवल विश्वसनीय और सत्यापित प्रणालियों का उपयोग करता है। सरकार द्वारा लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटरों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े ट्वीट संदेशों पर श्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विश्वसनीय हार्डवेयर और प्रणालियों के उपयोग को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि भारत लैपटॉप और सर्वर से डिजिटल उत्पादों के क्षेत्र में विश्व का एक सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बन रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में ऐसे उत्पादों के निर्माण में वृद्धि होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज चेन्नई में दक्षिण क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा हुई। बैठक में वित्त सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी ने ग्रामीण बैंकों से जुड़ा एक प्रस्तुतीकरण दिया।
वित्त मंत्री ने दक्षिण क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रौद्योगिकी, ऋण प्रबंधन व्यवस्था और कोर बैंकिंग प्रणाली के समयबद्ध कार्यान्वयन की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने प्रायोजित बैंकों से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्य उद्यमों के बीच एक मजबूत कड़ी बनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को इस वर्ष 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि योजना के तहत अस्पतालों, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं और डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस योजना ने देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया है। भारत के रक्षा निर्यात ने वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2021-22 में काफी बढ़ोतरी रही। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार ने स्वदेशी उन्नत प्रौद्योगिकियों और जटिल प्रणालियों को विकसित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। रक्षा क्षेत्र में वर्ष 2013-2014 में 1153 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ था। ये वर्ष 2021-2022 में बढ़कर 12,815 करोड़ रुपये हो गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य चालू मौसम में पराली जलाना पूरी तरह से खत्म करना है। वे आज नई दिल्ली में पराली जलाने पर रोक के लिए आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। केंद्र सरकार भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए अहमदाबाद के पास लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित कर रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। राजस्थान मंत्रिमंडल ने आज 19 नए जिलों और 3 संभागों के गठन और सीमांकन को मंजूरी दे दी। जल्द ही इन जिलों की अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि इन नए जिलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी और आम जन की सुविधाएं बढ़ेंगी। एक रिपोर्ट। राज्य में वर्तमान में 33 जिले हैं, इनमें जयपुर और जोधपुर जिले भी शामिल हैं, जिनका अब ग्रामीण तथा शहरी जिलों के रूप में विभाजन कर दिया गया है। प्रदेश में अब जिलों की संख्या 50 हो जाएगी। पाली, बांसवाड़ा और सीकर को नया संभाग बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राज्य में अब 10 संभाग हो जाएंगे। राज्य सरकार ने नए जिलों का गठन करने की संभावना का परीक्षण करने के लिए गठित राम लुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में कुछ और नए जिले बनाए जा सकते हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 22 अगस्त 2024 तक का एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके विस्तार को मंजूरी दे दी। उनका कार्यकाल इस वर्ष 22 अगस्त को समाप्त हो रहा था। उच्चतम न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है। इस आदेश से श्री गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि राहुल गांधी की दोष सिद्धि का असर बहुत व्यापक है, क्योंकि इससे उन मतदाताओं के अधिकार पर भी असर पड़ेगा जिन्होंने उन्हें चुना है। न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषण में कथित रूप से जो कहा गया वो अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि नेताओं को सार्वजनिक भाषण देते समय अधिक संयम बरतना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को अपनाने से आयकर विभाग में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। आज नागपुर में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में व्याख्यान श्रृंखला प्रणीति का उद्घाटन भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि कर की चोरी करने वाले अब विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधुनिक उपकरणों से बच नहीं सकते हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने राजभाषा सहित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देकर विरासत को सम्मान देने और दासता के निशान मिटाने के महत्व पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में राजभाषा से संबद्ध संसदीय समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय महोत्सव में विश्व के प्रतिष्ठित पुस्तकालयों के परिप्रेक्ष्य में भारत के पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि चंद्रयान 3 कल शाम 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अंतरिक्षयान चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। चंद्र ग्रह को चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 उपग्रह धीरे धीरे समीप पहुंचेगा। उसके बाद जब वह 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की चारों ओर घूमना शुरू करेगा तब ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर अलग हो जाएगा। लैंडर को धीरे से चंद्रमा के सतह पर उतारा जाएगा और उसमें से रोवर नीचे उतरकर सतह पर घूमेगा। कुल 40 दिनों की यात्रा करने के बाद लगभग अगस्त 23 तारीख को वो क्षण आएगा जब लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरेगा, जो एक बड़ा सवाल माना जाता है। ये संभव हुआ तो भारत विश्व का चौथा राष्ट्र होगा जिसने उपकरण को चंद्र ग्रह में उतारा हो। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के तहत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अगले बुधवार को पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है। ये निर्णय शहबाज शरीफ ने कल शाम सांसदों के साथ देश की राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत चर्चा के बाद लिया। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को औपचारिक सुझाव भेजेंगे। जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी की तिकड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। ये किसी भी वर्ग में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। भारतीय टीम ने फाइनल में मैक्सिको की टीम को पराजित किया। चेन्नई में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का मुकाबला जापान के साथ चल रहा है। आज के अन्य मुकाबलों में मलेशिया ने चीन को 5-1 से हराया। पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 480 अंक बढ़कर 65,721 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 135 अंक बढ़त के साथ 19,517 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया ₹82.84 दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85.60 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में होंडुरास के विदेश मंत्री एनरिक रेना से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने ट्वीट संदेश में कहा है कि बैठक में स्वास्थ्य, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र में साझा चुनौतियों के बारे में चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बोलिविया के विकास योजना मंत्री सर्जियो लोएजा से भी मुलाकात की। बैठक में स्वास्थ्य, ऊर्जा के क्षेत्र में भागीदारी को और आगे ले जाने पर चर्चा हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय का वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार। भारतीय जनता पार्टी ने महत्वपूर्ण मुद्दों के मद्देनजर अपने सांसदों को व्हिप जारी कर 7 से 11 अगस्त के बीच संसद में मौजूद रहने को कहा। केंद्र ने स्पष्ट किया, वैध लाइसेंस प्राप्त करने के बाद टैबलेट और लैपटॉप जैसे आईटी हार्डवेयर के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आगामी बुधवार को नेशनल असेंबली भंग करने की घोषणा की। बर्लिन में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता और चेन्नई में पुरुष हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत तथा जापान का मुकाबला जारी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।